चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा नाम, करोड़ों युवा आज फॉलो करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आपकी ज़िंदगी में कितना असर करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद? आज़ाद की ज़िंदगी में जो उन्होंने काम किया आज़ाद ने, उन लोगों सामने आया नहीं, और भगत सिंह की वो फिल्में बनी, कई और लोगों फिल्में बनी, उसमें आज़ाद गेस्ट अपेयरेंस के रूप में रहे, तो आज़ाद के व्यक्तित्व पे उनके विचारों पर पूरी तरह फिल्म आई नहीं। तो कहने की बचपन से मेरे मन में था, लेकिन जो राष्ट्र कुछ देर पहले भी मैंने कहा, तो जो जेएनयू में जो कांड हुआ, भारत के टुकड़े होंगे, उसने मुझे इस काम करने की बुनियादी तौर पर मजबूत किया, वो बुनियाद बनी राष्ट्रपुत्रा के निर्माण की। क्या इस तरह की फिल्में आप आगे भी और बनाना चाहेंगे, जिस तरह की आपने ये फिल्म बनाई है चंद्रशेखर आज़ाद पर, क्या आगे भी आप चाहेंगे कि इस तरह क्रांतिकारी पुत्र या देश पर फिर से फिल्म बनाना आप चाहेंगे? आगे प्लानिंग मेरी है, रिलीज हो जाए, पहले 26 भाषाओं में यही है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, प्लस बाहर की भाषाएं, जर्मन में है, बहास में है, मैथी में है, खास खांसी में, कई भाषाएं हैं, रिलीज कर लेंगे, अभी शुरू करेंगे, जिसमें कोई दुराई नहीं, करना वही है जो आज़ाद के विचार उसके आसपास रहने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी देखिए, आज़ाद के विचार, आज़ाद के बारे में कितनी जानकारी, जितनी पुस्तकें हैं आज़ाद के बारे में, जिंदगी नगर लोग पता होगी, आज़ाद गिरफ्तार हुए अपने आप को, जैसे उन्होंने शहीद हुए, उनके व्यक्तित्व को हमने उठाया हुआ है, और आज़ाद थे तो क्या थे, आज होते तो क्या करते, आज देश को आज़ाद की आज जरूरत है, आज़ाद अगर आज होते तो क्या करते भी कहानी है आपको, आज देश को जरूरत है कई विचारों की, बराबर जिस तरह के लोग आज विचार कर रहे हैं, शुरुआत किसी और ने किया, काम कोई और कर रहा है, आज़ाद ने जो काम किया देश के लिए, स्वतंत्रता को, देश को जोड़ने के लिए, तो हमने उसी रास्ते से बड़ा काम किया, आज़ाद विचार विश्व कोने कोने पहुंचे, इलाहाबाद से बाहर निकले, हिंदुस्तान से बाहर निकले। सर, इसमें कलाकार जो है कहाँ के, इलाहाबाद के, बाहर? आज़ाद तो हिंदुस्तान के, यहाँ पे मैं यहाँ का हूँ, दिवरा राणा यहाँ के है, कई कलाकार यहाँ के है, यहाँ आप यहाँ शूट किया है, बड़ी खुशी होगी, उस स्थान को मैं छूने जाते नहीं, मैंने जामा मस्जिद वो शूट किया है जो आपको दिखाई नहीं देगा, मैंने लाल किला वो शूट किया है जो बड़ी बड़ी मुश्किल से लोग दिखाई देते हैं, तो आप बड़ी खुशी होगी, अब 3 मिनट के भी बहुत, जो 4-5 मिनट दिखाया मैंने उसमें काफ़ी अंदाज तो लगी क्या होगा, बाकी तो फिल्म बोलेगी जनता, तय करेगी भाई कि मोदी या राहुल गांधी। 28 सितंबर। एक मालूम एक सूत्र है, एक ये एकम सत्य विप्रा बहुधा विनंती, यानी सत्य एक होता है, अलग अलग ज्ञान, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कृष्ण का सत्य अलग था, कर्ण का अलग था, कुंती का अलग था, मैं आपको देख रहा हूँ, आप पीछे कुर्सियाँ दिखाई रही, आप मुझे देख रहे हो, मेरे पीछे स्किन दिखाई, सिल्वर स्किन, तो एक ही जगह रहने के बाद अंतर कई कई होते हैं, मतभेद सामान्य बातें हैं, मनभेद की बातें नहीं होनी चाहिए, हम एक ही राष्ट्र के हैं, इसी सनातन भारत के हैं, इसका गौरव बढ़ाना, यहाँ के महापुरुषों को सम्मान दिलाना, उसके लिए युद्ध करना, जूस अंजाम जाना हुआ जाने की कोशिश करना, ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रीयता है। हम तो आज है कि जिसने भारत का निर्माण किया, उसका भारत निर्माण योगदान दिया, उनके भी साथ चलना हमारी जरूरत भी है और हमारा कर्तव्य भी है। आजाद की महानता में कोई दिक्कत नहीं, ये समझिए कि आजाद के सबसे क्या कह सकते हैं कि आजाद के साथियों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वैश्यपायन, धन्वंतरी, यशपाल, फरीदाला घोष, सुशीला गिरी, दुर्गा जैसे हजारों क्रांतिकारी थे, यानी भगत सिंह उनके असिस्टेंट थे, सहयोगी थे, अब भगत सिंह आजाद के पास आए थे, राजा राजगुरु भंडारे थे, उस वक्त कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आजाद का समय जाना ये भारतीय इतिहास में दुखदायी रहा। मेरा यह मानना है कि देश को आजादी अगर मिली तो उसमें क्रांतिकारी का खौफ था, क्रांतिकारी खौफ की वजह से उनके जान देने और जान लेने की मानसिकता की वजह से मिली, पंथ संप्रदाय बहुत है, लेकिन जो आक्रमकता का विचार था उसने बुनियादी तौर पे आजादवादी को कह सकते हैं जिसकी वजह से आजादी मिली हमको, उसकी उसी को परंपरा का पालन किया, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, यानी देखा जाए तो जितने आजाद के सहयोगी थे उनके लोग बारे लोग ज्यादा जानते, जितना मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस सहयोगी के नाम बहुत कम जानते हैं, राजबारी बोस के बारे में बहुत कम जानते हैं, अरविंद घोष के बारे में बहुत कम जानते हैं, इतने भी लोग जो शुरू से लेकर हाथ गए हैं, तो आजाद से जुड़े लोग थे, सब महानता प्राप्त किए, असमय चले गए, दुखदाई रहा भारतवर्ष के लिए, लेकिन जो भी उन्होंने काम किया, जो बुनियाद बनाई, इसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, गुलाम भारत में एक आजाद था, आज आजाद की वजह से, उनके विचार चलने वालों की वजह से देश का बच्चा बच्चा आजाद है। अभी तो प्रोड्यूसर बॉम्बे टॉकीज वाले बताएंगे, लेकिन 26 भाषाओं में जाहिर है कि बजट ज्यादा ही होगा, और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, प्रोड्यूसर वाले जाने, जो प्रोड्यूसर सब जाने,
हमने उनके काम किया बॉम्बे टॉकीज के साथ में, और मैं स्टूडेंट हूँ छात्र भोसला मिडिल स्कूल का, मुझे मौका मिला बॉम्बे टॉकीज से काम करने का, अब मेरे विचारों को रखने का, मेरी चीज़ों को आगे ले जाने का, अभी भाग्यशाली बाकी लोग तय करेंगे मेरी कितनी चीज़ अच्छी आई कितनी बार। देखिए 2 घंटे में बहुत सी बातें छूट सकती है, जैसा उन्होंने अभी कहा प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया, 2 घंटे में कितनी बात कहेंगे, इसके दूसरे तीसरे पार्ट भी लगातार है। मैं कई चीज़ ओपन कर रहा हूँ, शुरुआत 28 तारीख से होगा आने वाले कल में, कई भाषाएं का मतलब है कि हम अपनी चीज़ों की समझ लें कि आप जो खाना खाते हो, जो पाश्चात्य हिंदुस्तान ग्रहण कर रहा है इसकी युग में, जो दुखदाई है, आज आपकी चीज विश्व के कोने कोने में जाए लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मेरे राष्ट्रपुत्र की विचारधारा के रूप में पहुंचाने की कोशिश की, आपके अपने इस इलाहाबाद की भूमि की मानसिकता विश्व कोने कोने में जाए, भारत की बजाय इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, वो मैंने करने की कोशिश की है राष्ट्रपुत्र के बहाने, है ना। दीपराज राणा है, मैं ही हूँ बनारस का, आपका पड़ोसी हूँ, बताइए। भाई कोई प्रश्न बाद में सब पूछ लीजिए, पता नहीं बाहर फिर क्या हो, वादी वादी जाते हो तब तो बुधा तो वादी वादी ही कर लेते। सर वो माँ बाप को गोली मारने वाली क्या बात है? ये तो बहुत मैं कहता हूँ कि आजाद जैसा क्रांतिकारी होना ही मुश्किल है। 8 साल की उम्र पत्थर मार के उन्होंने अंग्रेज सरकार ऑफिसर का पत्थर फोड़ दिया, और उनका एक कहना था कि उनके बूढ़े माँ बाप, किस्सा है कहूँगा, बूढ़े माँ बाप को धन देने की बात आई, उन्होंने कहा कि मेरे बूढ़े माँ बाप की भूख और प्यास अगर मेरे क्रांति का रास्ता आड़े आती है तो मैं उनको अपनी गोली से उनकी जान ले सकता हूँ। कौन कहता है, महान आत्मा थे उन्होंने कहा, और देश आजाद भी है उन्हीं जैसे विचारों पर चलने वालों की वजह से। प्रेमिका के बारे में, आजाद की प्रेमिका के बारे में, आजाद की प्रेमिका कौन थी? देश आजादी लड़की देखा है सर, ट्रेलर में लड़की देखा है, वो आज के आजाद है, आज के प्रेमिका नहीं। हाँ भैया राय बाबू हीरोइन नहीं है, फिल्मों को हीरोइन नहीं है, एक विचार है, संघ रास्ते को आते गए मिलते गए, उनका समस्या का समाधान करते गए, आजाद नहीं है। भाई कोई प्रश्न नहीं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from the Bombay Talkie Studios.